सबकी शक्तियाँ जादू शस्त्र में खींच ली। तो दरअसल यहाँ पे जो तिमनासा है वो नई नई चालें चलती जा रही हैं। अब क्या है, दरअसल एक ऐसा ग्रहण का समय आया है, अर्थात ग्रहण, जिसको रोकने के लिए जिस समय पर बुराई की शक्तियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, तो उस समय पर तिमनासा से लड़ना मुश्किल होगा, हमारा उससे लड़ना, बुरी शक्तियों को धरती पर आने से रोकना मुश्किल होगा। और साथ ही साथ जो अब तक धरती पर शक्तियाँ बुराई की नहीं चलती थी, वो शुरू हो जाती है चलना इस ग्रहण के समय में। तो इस ग्रहण के दौरान हमें चौकन्ना रहना है। तो बालवीर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसके बाहर ना ही कोई आ सकता है, जिसके ना ही कोई अंदर जा सकता है, जो काललोक के ऊपर वो लगाने वाला है। लेकिन काललोक के ऊपर लगाने से पहले तिमनासा उसे रोक देती है और कहती है कि तुम इसे नहीं लगा सकते, फाइट होती है और वो मुझे वहाँ से भगा देती है। तो मैं फिर सोचता हूँ अब क्या करें, क्योंकि मैं सुरक्षा कवच तो नहीं लगा पाया, इसलिए काललोक वाले आज़ाद हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो अपनी शक्तियाँ यूज़ करेंगे। तो उसके बाद वो धीरे धीरे प्लान आउट करती है कि कैसे धरती पर जाए। इस समय पर उनकी शक्ति हमसे ज़्यादा हो जाती है, तो धीरे धीरे करके एक एक परी की शक्ति लेने लगते हैं, हमारे वीर लोग से शक्ति ले लेते हैं, शौर्य को भी कैद कर देते हैं। तो एक बहुत ही जो मैजिकल थिंग है उसका उल्टा असर होने वाला है, क्योंकि अच्छाई के पास तो शक्ति है लेकिन इस बार बुराई के पास शक्तियाँ बढ़ने वाली। तो उस सबको ओवरकम कैसे बालवीर इस सब को ओवरकम करेगा, कैसे फाइट करेगा तिमनासा से, उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होने के बावजूद, अपनी शक्तियाँ ना होने के बावजूद कैसे तिमनासा से लड़कर अच्छाई और सच्चाई की जीत होगी, यही हमारा नया ट्रैक। इस बार परिया हैं, बालवीर हैं, उन सब के पास शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो रही है। तो कैसे वो कम शक्ति होती है शक्तियों के ज़्यादा शक्तियों से इस्तेमाल करेंगे, अपनी बुद्धि से, अपने तन से, अपने दिमाग से कैसे लड़ेंगे तिमनासा से, वही हमारा एक नया ट्रैक है। दरअसल विवान जो है वो अभी बालवीर बना नहीं है, तो उसे बालवीर बनाने की प्रक्रिया से बचाए रखने और साथ ही साथ तिमनासा से बचाए रखने के लिए हम सारी परियां यहाँ पे सुरक्षित हैं। मैं जो हूँ वहाँ पे बाहर जाके लड़ रहा हूँ, प्लान आउट कर रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन परियां जो है वो यहाँ पे विवान की सुरक्षा के लिए, क्योंकि विवान के पास भी जो पावर्स है, जो थोड़ी बहुत पावर्स हमने उसे दी है, लुप्त गुप्त है, चल अचल है, वो सारी शक्तियाँ उसके पास चली ना जाए, क्योंकि वो चली जाती फिर वो उसे बालवीर बनाना फिर हमारे लिए और कठिन हो जाएगा। तो इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए परियां यहाँ पे है। विवान की शक्तियाँ है वो उसी के पास है, लेकिन वो उसका यूज़ कैसे करता है वो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को। लोगों की रक्षा करना बालवीर का फर्ज है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही खतरा क्यों ना उठाना पड़े। तो जैसा कि आपने देखा है कि प्रोमो में देखा होगा कि शौर्य बोलता है कि बालवीर को अपनी सारी शक्तियाँ त्यागनी होगी, तो फिर उनकी सारी शक्तियाँ चली जाती है। तो फिर मैं और परी हम की ये डिसाइड करते हैं कि हमें पार्टनर का अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि तिमना साहब को अगर पता चल गया कि पार्टनर के पास शक्तियाँ नहीं हैं तो फिर वो अटैक करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि तौबा तौबा जब्दाली अटैक करने गए तो मम्मी आ गई बीच में और डंडे से मार दिया, तो फिर इसलिए गुस्से में थे थोड़े। मम्मी तो ठीक है बेटा, हाँ तुझे चोट तो नहीं लगी ना? आपने मुझे गुंडों से बचाया, मुझे बेटा भी बोला, क्या आप मुझे जानती हैं? अरे मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा, तू मेरा बेटा है। हाँ गरम नींबू है और मैं आपका छोटा भाई रोहन, और ये हमारी माँ करुणा। कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे वो इसलिए कि एक्सीडेंट में तुम्हारी लाश चली गई, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलकर तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, और अगर फिर से ये लोग आए ना तुम्हें परेशान करने के लिए तो मुझे बताना, फिर से उनकी इसी तरह से धुलाई करूंगी मैं। अरे नहीं, नहीं, नहीं आप ऐसा मत कीजिए, ये डंडा मुझे दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तो थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ है और अभी आगे जाके आपको देखने में मजा आएगा। मेन ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो देखते रहिए बालवीर रिटर्न्स ओनली ऑन सोनी सब, रात को 8 बजे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।
सीन्स का शूटिंग शॉट कहूँ तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि ऐसे कोविड के टाइम्स पे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सेट पे शूट करते हैं तो बहुत ही बंद से जाते हैं, लेकिन हम जब बाहर गए नेचर के साथ पहाड़ों वाले इलाकों में तो नया मज़ा आया, एक फ्रेशनेस फील हुई बहुत महीनों के बाद। और जब हेलीकॉप्टर आया तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे, डायरेक्शन टीम, क्रिएटिव टीम, और फिर जब हेलीकॉप्टर में बैठे अंदर बैठ के सीन्स किए तो हमारा ध्यान तो मोस्टली सीन्स में ही था, डायलॉग्स में था, लेकिन थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया। बट ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छा सीक्वेंस शूट किया है हमने, और बिहाइंड द सीन वीडियोस भी लिए मैंने मेरे पेरेंट्स ने, एंड कहीं ना कहीं हम सब ने बहुत एंजॉय भी किया, एक पिकनिक की तरह हमने इस शूट को लिया है, और आपको भी देखने में उतना ही मज़ा आएगा। तो ऑफकोर्स मालवी रिटर्न्स देखते रहिए सोनी सब पर, और हमने बहुत मेहनत की इस हेलीकॉप्टर सीक्वेंस के लिए, तो बहुत ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाय, सो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस अबाउट द चॉपर सीक्वेंस जो हमने रिसेंटली शूट किया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज हम लोग पहली बार चॉपर के साथ शूट करते, स्पेशली मैं तो इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम दैट वी वर शूटिंग विद द चॉपर, एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बट या आई वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे चॉपर के अंदर बैठ करके राइड लेने का मौका नहीं मिला, मैं बस उसे बाहर से खड़े खड़े उड़ते हुए देख रहा था, बिकॉज रे बाहर ही खड़ा होकर के पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। बट या दे वंश वर वेरी फॉर्चुनेट कि उनको अंदर बैठ करके दो बार राइड लेने का मौका मिला, जो कि मुझे नहीं मिला। बट या ऑल द वे अराउंड इट वॉज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, फन एक्सपीरियंस। जो भी सीक्वेंस हमने शूट किया, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाले हैं चॉपर सीक्वेंस वाले। सो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा देख करके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग बालवी रिटर्न्स एंड ऑन वन एंड ओनली सोनी सब। सो कीप इंजॉइंग एंड आई एम श्योर दैट आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा ये सीक्वेंस देखकर, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया ये सीक्वेंस शूट करके। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब सुरक्षित हैं, और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमने अभी अभी रिसेंटली हेलीकॉप्टर के साथ शूट किया है, जी हाँ, और हमने चॉपर के अंदर जाकर भी शूट किया है, और पूरे टीवी सीरियल में काम करते हुए मैंने पहली बार चॉपर के साथ शूट किया है, चॉपर के अंदर बैठ के शूट किया है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, और मेरे साथ देव भैया और जया मैम जो कि मेरी माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारे डायरेक्टर सर संजय सर सब बैठे थे, और हमने राइड लेते हुए सारे सीन्स हेलीकॉप्टर के अंदर के शूट किए हैं। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है, इट वॉज़ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, और आई एम श्योर कि आप सबको देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमें शूट करते हुए इतना मज़ा जो आया है। सो देखना ना भूलिए बालवी रिटर्न्स ओनली ऑन सोनी सब, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। सर हम देखेंगे और फिर बात कैसे ढूंढना है बच्ची को, बच्चे और तू आवाज है मेरे को, आराम से ठंड रहता कोई भाई नहीं है। हाँ विमान को एक्चुअल लग गया ना, पर डायलॉग बिहाइंड द सीन में लेने ही नहीं दूंगा, बिहाइंड द सीन नहीं लेना है ये चीटिंग है।
तो सबसे पहले तो ये बालवीर नहीं है, बालवीर की शक्तियाँ नहीं है उसके पास। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक आम इंसान की तरह, जब वो अपनी माँ की हेल्प के लिए धरती लोक पर है, करुणा जी बीमार है, तो बस उनकी हेल्प कर रहा है, तभी अचानक एक लड़की मिल जाती है जो रक्षा कर रही है दूसरे लोगों की अनजाने में, जिसके पास शक्तियाँ नहीं हैं। बस बालवीर उससे इम्प्रेस हो जाता है, जो देबू है वो खुश हो जाता है और फिर उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, जो अनन्या करके नया कैरेक्टर है जिसे अनाहिता निभा रही है। तो बहुत ही नया कैरेक्टर और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर इस वैलेंटाइंस डे पे हम ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं। पीछे पीछे आ रहा है लाइक क्वेश्चन ही नहीं, अभी फ़िलहाल तो आई डोंट थिंक सो कुछ है उसके साइड से, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रूड है और बहुत ज़्यादा अपफ्रंट लड़की है, तो उसे जो फील होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो वही करती है। तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर। अच्छा, तो अनन्या का किरदार कैसे होने वाला है? मुझे लाइक गली बॉय की आलिया भट्ट जैसे होने वाला है, और वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपफ्रंट टाइप की लड़की है, मॉडर्न टाइप्स। तो बस यहीं पे एक मज़ेदार चीज़ ये है कि जो सुपर हीरो है, बालवीर है, जो पूरी दुनिया की रक्षा करता है, वो जब डर जाता है या फिर उसके पास शक्तियाँ नहीं है, फिर भी वो कैसे खड़ा होता है, एट द एंड जब वो एक लड़की से मिलने जाता है तो उसके पास कोई पावर नहीं है, फिर भी नॉर्मल इंसान की तरह कैसे वो एक नॉर्मल ज़िंदगी को जी पाता है या नहीं जी पाता है, वही हम ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हम धीरे धीरे शो को अपग्रेड कर रहे हैं, नए नए किरदार, नई नई स्टोरीज़ ला रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है ऑडियंस को आगे वाले एपिसोड्स में, और नई नई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। फैन से हमेशा से बस एक ही चीज़ एक्सपेक्टेड रहती है कि वो बहुत सारा प्यार दे और बहुत सारी पॉजिटिविटी दे कैरेक्टर को, और हाँ, लव इज़ ऑल दैट मैटर्स एट द एंड। जी, सच वैलेंटाइन डे हुआ नहीं है मेरे लिए कुछ अभी, सैडली। आई विश कि आगे जाके फ्यूचर में कोई कुछ करे तो आई विल आल्सो बी हैप्पी लाइक अ टिपिकल गर्ल। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं जैसा बालवीर है वैसा ही देव जोशी भी है, तो बस नॉर्मल लाइफ है हमेशा। जी नहीं, अभी तक तो नहीं कॉलेज जाना होता ही नहीं, ये सेट पे ही रहता है, हम दोबारा घंटे शूटिंग करते हैं, हमारे फैंस को खुश करने की कोशिश करते हैं, बस वही हमारा सबसे बड़ा वैलेंटाइंस डे है। तो हम दोनों की तरफ से बालवीर रिटर्न्स के सभी फैंस को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, यस, और बस आप खुश रहे, और आने वाले ट्रैक्स में जैसे हमारी केमिस्ट्री है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आने वाले एपिसोड्स में, तो बस इसी तरह बालवीर रिटर्न्स देखते रहे, ओनली ऑन सोनी सब एट 8 PM।
ऑफकोर्स अभी फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं और काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो मोस्टली ग्रीन फ्लोर पे ही शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड़ों के बीच आके बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी फील होती है, एक रिलैक्सेशन फील होता है, मज़ा आ रहा है आउटडोर में शूट करने का। ऑफकोर्स सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में तो गर्मी काफ़ी लगती है, लेकिन इंद्र भगवान ने हमारी हेल्प करके हमें बारिश दी है थोड़ी, तो यस थोड़ा ठंडक का माहौल है और मज़ा आ रहा है शूटिंग करने। ऑफकोर्स अभी जो आगिल है हमारी काउंटर पार्ट है बालवीर की, उसके साथ फाइट सीन चल रहा है और कहीं ना कहीं जो उसकी कोई छुपके से हेल्प कर रहा है, बालवीर से बचा कर ले जाता है, वही सीन अभी हम शूट कर रहे हैं कि कौन है, कहाँ से है और बालवीर क्या उसे पहचान पाएगा कि नहीं, तो वही बस अभी फाइट सीन आप देख रहे हैं। ओके, अगर हम बात कर रही हूँ ना आपके फैमिली के बारे में, तो अभी एक हम देखे हैं किसी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक है, वो उसके बारे में क्या बताना चाहिए? ऑफकोर्स बालवीर जो है उसकी याददाश्त चली गई है और वो वीर बन के धरती लोक के एक परिवार में रहता है, तो वहाँ का उसका जो परिवार है वो काफ़ी भोला है, अच्छे और सच्चे लोग हैं, जादूगरों का परिवार है, तो उस परिवार के साथ कहीं ना कहीं आगिल जो है बुरा करने की कोशिश करती है, उन्हें परेशान करती है, तो बालवीर कहीं उससे बदला लेने के लिए वापस आता है, तो कैसे ये सारी स्टोरी प्ले होती है, कैसे बालवीर को शक्तियाँ वापस मिलती है, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही देखने को मिलेगा। ऑफकोर्स आप इतना सारा प्यार पिछले 11 सालों से बालवीर को देते आए हैं, तो इसी तरह बालवीर सीजन 3 को भी सोने सब और सोने लिव पे देखते रहिए सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे। थैंक यू सो मच। दिल से बुलाया। कोई नया पैतरा सीख लो अभी, ये सब पुराना कुछ लोग में तुम्हारा याद नहीं कर। मैंने कहा था ना कि मैं डंके की चोट पर यहां से जाऊं, तो जा रहा हूं मैं तुम्हारी सेना की नजरों के सामने से। As usual, या अब जो है बालवीर एक बार फिर से मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया। मैं फिर नहीं पकड़ पा रही हूँ। भाई देखा आपने अभी, लेकिन क्यों ऐसा हुआ आप बताओ। यस, हिम्बा श्लोक में बालवीर आया है और बुराई से हमेशा लड़ने के लिए इस बार बालवीर एक स्टेप आगे जाकर उसका एक साथी है जिसे बचाने के लिए बालवीर यहाँ आया है, तो क्या बालवीर उसे बचा पाएगा? एंड एट द एंड आगिल जो है वो बालवीर को पकड़ लेती है, बालवीर अदृश्य होकर आया फिर भी पहचान लेती है, तो क्या होगा आगे, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही देखने को मिलेगा, वो आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तो आगिल की पैतरे बाकी। आपने तो छोटा सा सीन देखा, वेरी चिल्ड आउट, जलसा चे बता, बता जलसा चे, ही इज़ द स्वीटेस्ट बॉय ऑन द सेट, वेरी वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी लविंग। मेरे सीन्स में तो हम अभी भी मुझे डायलॉग बता रहा था, आगे डायलॉग है बोल दो। सो नो, वेरी वेरी सुपर इंटेलिजेंट, आई थिंक इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल। इट्स फन ऑलवेज टू शूट विद दादा दीदी एंड मज़ा आता है, नया एक्सपीरियंस रहता है, एंड व्हेन लाइक ऑन द स्क्रीन तो हम हीरो विलन का बॉन्ड शेयर ही करते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी गुजराती है दोनों, तो मज़े करते हैं, खाना पीना भी शेयर होता रहता है, तो इट्स फन।
હવે જો મારી ગુજરાતી આના જેવી બહુ સરસ નથી પણ ગુજરાતી બોલી શકું છું, તો હવે તમને હું કહું છું, જો અમારું છે ને ફેવરેટ ખાવાનું છે દાળ ભાત, દાળ ભાત તમે અમારા માટે દાળ ભાત લઈને સેટ પર આવી જાઓ પ્લીઝ. યસ, બટ થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઓલ ધ લવ યુ હેવ ગિવન, અને આટલું બધા ચાહકો છે આપણા, ખાલી ગુજરાતમાં નહીં, ઇન્ડિયા મેં નહીં બલ્કિ પૂરી દુનિયા મેં. સો થેન્ક યુ સો મચ. ઇસી તરહ બાલવીર કો ઓર આગિલ કો પ્યાર દેતે રહીએ, એન્ડ દેખતે રહીએ બાલવીર ઓનલી ઓન સોને સબ એન્ડ સોને લે સોની લે શામ 7 બજે. થેન્ક યુ. यही इसका कैद खाना और इन्हीं पत्थरों में कैदी को रखा गया. और क्या लीला रंग पड़ते हैं तुम्हारे चेहरे का रंग आज से आगे का पसंदीदा रंग, क्योंकि नीले रंग की वजह से तुम सबसे प्यार हो. आगे के हिम्बा श्लोक में आकर तुम बच के निकल जाओ. मैंने कहा था ना डंके की चोट पर जाऊंगा यहां से. अलविदा हिमाचलवासियों, लेकर जा रहा हूं मैं परदौल. मिलकर नीरेन के क्वेश्चन आप सब बस से बाहर आ जाइए. डरने की कोई बात नहीं, आप कोई खतरा नहीं. थैंक यू सो मच बालवीर. लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में लाया. आप सब एक तरफ आ जाइए. कौन है जिससे इन लोगों को इतना परेशान किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो. अगर तुम मेरे सामने मेरे तीन गिनने तक नहीं आए तो तुम मेरा असली रूप देखोगे. एक, दो. हम सीन में देख रहे हैं कि बालवीर बस से कुछ लोगों को बचा रहे हैं. क्या है सीन, सीन के बारे में अगर थोड़ा सा? ऑफ कोर्स, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि बालवीर लोगों की रक्षा करता है, तो इस बार भी जो बुरी शक्ति है आगिल और उसके साथी है, इन्होंने इस बस पर नियंत्रण कर लिया था और बस को रोका ना, जैसे कि उसकी ब्रेक फेल कर दी थी. उस तरह से कहीं ना कहीं लोग परेशान हो गए थे और बालवीर की जो बहन है धरती लोग की ईवा, वो भी इसके अंदर फंस गई थी. तो बालवीर को जब ये पता चलता है तो तुरंत यहाँ पे आता है सबको बचाने के लिए. लेकिन इस सबके पीछे इविल जो लोग हैं उनका और एक प्लान है, उनकी एक और एक साजिश है कि बालवीर को इसमें फंसाया जाए. तो कैसे फंसा रहे हैं और आखिर आगे जाकर क्या बालवीर सच में इन लोगों को बचा पाएगा, ये आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा. बालवीर के आगे आने वाले ट्रैक में क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि बालवीर ने बोला कि ये किसकी प्लानिंग थी या जो भी है? जी ऑफकोर्स, आने वाले ट्रैक में तो काफ़ी नई नई एंट्रीज है और नए नए कैरेक्टर्स है, जिससे अभी बालवीर के पिताजी का किरदार आ रहा है, भस्म नाम है उनका. और आगे वाले ने स्टोरीज में उनके साथ काफ़ी फाइट होगी बालवीर की, और कैसे बालवीर उनसे लड़ेगा या फिर उन्हें समझा पाएगा, ये आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा. अच्छा, जैसे कि आपने बोला था कि कौन है या जिसको भी बुलाया था तो बस का ड्राइवर सामने निकल गया, बट उसने अचानक में रूप चेंज कर लिया जी, जिससे काफ़ी लोग डर गए. क्या कहना चाहेंगे इसके? तो ऑफकोर्स, बस का ड्राइवर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्रीधर भाई, जो हमारे साथ सीजन 1 से जुड़े हुए हैं, कई सारे किरदार किए उन्होंने, वो इस बार तौबा तौबा का किरदार निभा रहे हैं. और वही आकर यहाँ पे आगिल ने उन्हें भेजा है और कैसे लोगों को परेशान किया जा सके. और वो कहीं ना कहीं वार करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन बालवीर उन्हें रोकने का प्रयास करता है. तो क्या होता है आगे एपिसोड में, ये आपको सोनी साहब और सोनी लिप पर देखने मिलेगा. ओके, थैंक यू. देखो वैसे दिख रहा है ना उनका, उसको ही लेके पीछे बांध रहा है. आप जा सकते भाई साहब, शॉर्ट नहीं चल रहा है उस बंदा को. बस वो चलेगा, दिखेगा नहीं. आपको कितना लेना? बस इतना ही, इतना ही, इतना रहेगा मैम. वो नहीं दिखेगा मैम, इतना ये जैसे नहीं, बस वहां तक रहेगा. अरे वहां मत मारो अभी. अच्छा, तो अब मेरी बारी है, लेकिन हम सब अब पकड़म पकड़ाई नहीं खेलेंगे.
अब हम खेलेंगे आंख मिचोले यानी ब्लाइंड फोल्ड। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर आप सबको पकड़ने की कोशिश करूंगा। ओके, आबरा कडाबरा गिली गिली छू। काशी ओ, तो आप सबने एक साथ बोलना बंद कर दिया, ये चीटिंग है। फिर भी मैं किसी ना किसी को तो पकड़ ही लूंगा। वीर, मुझे छूना नहीं। कश्मीर, ये क्या किया तुमने? प्रॉमिस निभाया। नहीं, कश्मीर, कश्मीर। हम लोग घर में भारद्वाज हाउस में पार्टी का माहौल है, सब इन्जॉय कर रहे हैं, और तभी बालवीर के जो पापा हैं भस्म, वो हमला करने आते हैं बालवीर पर शक्तियाँ लेने के लिए उसकी। और फिर कैसे उसको बचाया जाता है, क्या होता है आगे, डोमिनोज इफेक्ट क्या होगा, वो आप देखेंगे। यस ऑफ कोर्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, क्योंकि बालवीर के पिताजी की जब एंट्री हुई है तो बालवीर उनसे बचने के लिए या फिर उन्हें रोकने के लिए हर प्रयास कर रहा है। तो इस बार भी उन्हें रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच लगाया गया था घर के बाहर, उससे बचाने के लिए पूरे परिवार को एक बहुत ही प्रिपरेशन की थी बालवीर ने, लेकिन कहीं ना कहीं पिताजी उन सबको तोड़ते हुए घर तक तो पहुँच गए। और यहाँ पर बालवीर को मारने वाले हैं, तभी एक टर्न टेबल राउंड होता है और क्या। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आगे वाले एपिसोड्स में काफ़ी नए सीन्स है, काफ़ी नए लोकेशंस है, एंड ऑल्सो कैरेक्टर्स भी काफ़ी सारे नए आ रहे हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। फैंस को मैसेज। वेल, तो थैंक यू सो मच ऑल यू डियर लवली पीपल। आप लोग बहुत बहुत स्वीट हैं, आप अपने दिन में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, एडिट्स बनाते हैं, इतने सारे मैसेजेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, एंड हमें पसंद अगर आप करते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव, काइंडनेस एंड ऑल द ब्यूटिफुल फीलिंग्स दैट यू हैव फॉर अस। एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर, हमें इतना अच्छा शो है, इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं जो करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई होप आपको भी ये देखने में बहुत मज़ा आया, एंड वी आर रियली एन्जॉइंग इट दिस जर्नी। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग बालवीर फॉर सो मेनी ईयर्स, और इसी तरह आगे आने वाले एपिसोड्स को भी प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और अपने आप को एंटरटेन करते रहिए। थैंक यू सो मच। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेली बाइट्स राइट अवे।